पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन आजमगढ़ में किया नवीनीकृत बहुउद्देशीय हॉल व आदर्श मेस का उद्घाटन। आज दिनांक 7/6/2024 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा पुलिस लाइन आजमगढ़ में नवीनीकृत बहुउद्देशीय हॉल व आदर्श मेस का उद्घाटन किया गया। बहुउद्देशीय हॉल का सौंदर्यीकरण किया गया, जिसमें नई खिड़कियां, कुर्सी, स्टेज आदि का सुविधाओं से लैस है। उक्त हॉल में एक साथ लगभग 300 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। बहुउद्देशीय हॉल के उद्घाटन के पश्चात पुलिस अधीक्षक ने नवीनीकृत आदर्श मेस का उद्घाटन किया, जिसमें जवानों के लिए बैठने खाने की उचित व्यवस्था की गई है। आदर्श मेस में एसी, टीवी, पीने के लिए आरओ वाटर आदि सुविधाओं से लैस है। जवानों के लिए एसी की व्यवस्था की गई है। आदर्श मेस में खाना बनाने वाली सामग्रियों को सुसज्जित तरीके से रखने की व्यवस्था की गई है। उपरोक्त उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी, सहायक पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल और प्रतिसार निरीक्षक अन्य अधिकारी कर्मचारी गण मौजूद रहे। सर, आज उद्घाटन किया गया और हरियाली दिखाई दी। आज सबसे पहले शासन से जो प्राप्त हुई है 18 गाड़ियां, जिसमें 14 फोर व्हीलर गाड़ियां हैं और 4 दोपहिया गाड़ियां हैं। ये नई गाड़ियां प्राप्त हुई है डायल 112 रेस्पॉन्स सिस्टम के लिए। जनपद में ऑलरेडी 55 गाड़ियां हमारी थी जो चल रही थी, उनमें से कुछ गाड़ियां ऐसी थी जो पुरानी हो गई थी, तो अत्याधुनिक गाड़ियां स्कॉर्पियो गाड़ियां फोर व्हीलर प्राप्त हुई हैं। इनमें से 6 गाड़ियां ऐसी हैं जिन पे रूफ माउंटेड पीटीजेड कैमरा है, जो टोटल 360 डिग्री घूम सकता है, चारों तरफ का जो व्यू है उसको रिकॉर्ड कर सकता है, के साथ साथ ऊपर नीचे अलग अलग एंगल पे उसको घुमाया जा सकता है। और जो हमारी PRV जो हमारा फर्स्ट रेस्पॉन्डर है, कोई भी किसी भी प्रकार की घटना होती है 8-10 मिनट के अंदर जनपद में PRV मौके पे पहुंचती है, तो उनको पहुंचने के बाद अगर वो इस कैमरे को ऑन करते हैं तो पूरा घटनाक्रम उस कैमरे में वीडियो रिकॉर्डिंग के रूप में मौजूद रहेगा। इसकी मॉनिटरिंग डायल 112 मुख्यालय लखनऊ से भी की जा सकती है और जनपद में जो 112 का कार्यालय है उससे भी की जा सकती है। इसके साथ साथ ये IP बेस्ड कैमरा है, तो इसकी जो लाइव कवरेज है वो भी हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि PRV अगर किसी घटनास्थल पर पहुँचती है और हमें घटनास्थल को देखने की तत्काल आवश्यकता है तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका है बेहतर पुलिसिंग का, और जो कई बार पुलिस के ऊपर किसी प्रकार के आरोप लगते हैं, तो क्योंकि कैमरा होगा तो हर एक चीज़ की रिकॉर्डिंग होगी, तो उससे बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि कोई भी घटनाक्रम किस प्रकार से हुआ, और उसके साथ साथ ये एविडेंस के रूप में भी यूज़ हो सकेगा। इनको आज यहाँ से फ्लैग ऑफ किया गया है और मैं समझता हूँ कि इससे एक बेहतर रेस्पॉन्स टाइम मिलने में और उसके साथ साथ बेहतर पुलिसिंग में हम लोग और बेहतर कर पाए।